सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। एंड अभी मैं हूँ मम्मी के साथ आया था यहाँ पे डॉक्टर के पास दांत के लिए। मम्मी का चल रहा है ना काम, तो वो डेली बुलाते हैं, मतलब कुछ सी टी स्कैन, कुछ स्कैन होता है। आज मम्मी के दांत में भरा गया है कुछ, पता नहीं भाई, इन दांतों की ऑनिंग 1% तक नहीं है। तो अभी मम्मी आएंगी, अभी मम्मी का चल रहा है काम, तब तक के लिए मैं यहीं पर हूँ, घर पर आते हैं फिर देखते हैं। सो गाइस, यार अभी मैं उसके पास जा रहा हूँ क्योंकि अभी मेरे पास ना उसका कॉल आया। मुझसे कह रहा भाई एक बार ना इसको जाना है गांधी मार्केट साइड में ही, मेरे ख्याल से कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड, सीपीयू से कुछ रिलेटेड है, क्योंकि कंप्यूटर ख़राब हो गया था ना, तो उसी को दिखाने के लिए जाना है। अभी जाएंगे साथ में, देखता हूँ। सो गाइस, यार अभी इसका UPS ख़राब है, CPU के अंदर है ना, UPS कैसे UPS होता है उससे चलता कंप्यूटर। हाँ मतलब तार का सिस्टम है यार, टेंथ पार करने वाला तो यही नहीं पता क्या ही क्या। अभी अच्छा लेकिन क्या कहूँ, बट इस UPS के बनाए तो अभी पढ़ा था मैंने, क्या अभी थैला खोल रहा पढ़ रहा देखो, अभी पढ़ रहा थैला खोल के उसके ऊपर लिखा हुआ है यार बहुत टाइम। देखो यार इतने सारे सिस्टम, बहुत टाइम बाद चला, हम कौन सा याद रखेंगे, बस ये अच्छी से इतनी रिपीट करके चला देते। सो गाइस, यार अभी उजलो वहाँ पर दिखा रहा है वो जो भी खराबी है, देखते कब तक ठीक होता है, फिर घर जाएंगे। मेरे साथ हवा बहुत मस्त चल रही है, मतलब आज मतलब देख सकते हो पेड़ पौधे भी मस्त है, क्योंकि आज मौसम मतलब अच्छा है ना, थोड़ा येलो येलो सा है, हो सकता है कि आज बारिश हो जाए। हम तो शाम को ही पार्क जाएंगे ना दोस्तों के साथ, मस्त मज़ा आएगा अगर हवा मस्त चली। अभी देखो पसीने भी नहीं आ रहे क्योंकि हवा चल रही है। सो गाइस, अभी उज्जवल जा चुके अपने घर पे, एंड हम गए तो थे, उन्होंने बताया कि इसका पूरा UPS ही ख़राब है, मतलब 4-5 साल तो हो गए, तार नहीं, तार तो चूहे ने काट दिया, बट तब भी इसका पूरा UPS ही ख़राब है। तो मतलब इसके 2000 रुपये ठुक जाएंगे, फिर नया UPS लाएगा, फिर इसका कंप्यूटर चल जाएगा। तो वो लेने के लिए तो भैया वगैरह के साथ ही जाएगा, घर पे आके बात करेगा। बट अभी मैं जा रहा हूँ घर पर क्योंकि आज मम्मी को जाना भी है मार्केट। सो गाइस, अभी मम्मी और अति चली गई हैं, एंड अभी ये देख रही है क्या हो गया, ये मम्मी और अति गई ना, अभी सो रही थी यहीं पर, ये यहीं पर मैंने अंदर गेट ही बंद कर दिया, अंदर ना जाए, फिर गर्मी गर्मी में बैठी रहेगी, तो यहीं पंखा चल रहा है, यहीं बैठ रहे शांति से। तो मम्मी गई हैं बेचारी, थोड़ी सर्वे में है कि कहाँ गई हैं। आज ही आ जाएगी, आज ही अपने दोस्त के यहाँ घूमने गई है, आज ही गई थी 1 बजे और अब 3 बजे आएगी, मतलब 2 घंटे वहाँ घूम जाएगी और मैं जाऊँगा 5:30 बजे। तुम्हारा भाई भी ऐसी नहीं है, मैंने आज थोड़ी देर आप घूम लो फिर मैं घूम लूँगा, थोड़ी शिफ्ट लगाएंगे क्योंकि यार अब ये घर में है ना तो शिफ्ट लगानी पड़ेगी हमें, वरना तो मैं भी ताला ला कर निकल जाता। बट अब ये ओ भाई सीन देखा, ये देखो टांग ना ऐसे चौड़ा के बैठती है, ऐसे मत बैठ, ऐसे बैठ जा, हाँ अब सो जा, नहीं निकल ले, नहीं निकल ले, हाँ सो जा। गाइस यार देखो कितना तगड़ा मौसम हो रहा है, मतलब ये पूरा अभी येलो येलो रखा है, आप लोगों को कैमरे में दिख रहा है येलो, बट नेवर माइंड भाई क्लाउड लगा दिख जाए। तो क्या यार अपनी फेवरेट जगह बैठने की, और यहाँ से बिल्कुल खुला आसमान, ये देखो मतलब क्या तगड़ा व्यू मिलता है हमें ना, पूरे बादल ही बादल हो रखे हैं, मतलब पूरा पीला मौसम, अब मन है कि बारिश हो जाए तो भीग जाएंगे आज। सुबह दिन मौसम तो इतना बढ़िया हो रहा है, मैं पा नहीं सकता, ग्रास इतनी अच्छी है यहाँ की, मतलब कोई गीलापन नहीं है, आराम से बैठ रहे हैं, तो नीचे भी बैठ गए, मतलब इतने पेड़ पौधे जो फीलिंग है वो दिल्ली के लोगों को पता होगा कि दिल्ली में मेरी कल वीडियो चल जाएगी, मतलब उससे पहले का ही व्यू है तो पता चल जाएगा कितना मस्त मौसम था ना यार, सच बता रहा हूँ। सो गाइस, यार अभी हम लोग झोपड़पट्टी में आए, देख सकते हो ये ऊपर का है और नीचे कैसा है और पीछे कैसा है, बिल्कुल इसकी शक्ल जैसा है, वाह भाई वाह। एंड वहाँ चल रहे कराटे क्लासेस। गाइस हम लोग तो अपने वहाँ से निकल गए, तब तिफरी पार्क में पहुँच गए और पता नहीं पेड़ से किस चीज़ की आवाज़ आ रही है भाई, भूतिया पंथी नहीं कैसे लग रहा है। अब देखो थोड़ा येलो येलो थोड़ा आ रहा है ना फील से मेरे ख्याल से, यहाँ अपने बूढ़े लोगों का तो भाई शाम को तो पत्ता ही पत्ता चलता है। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को मतलब कहाँ कहाँ पर निकल रहा, ये देखो यहाँ पर मतलब यार अबे ये तो जवान लड़के भी आ गए अब तो। गाइस यहाँ का मौसम देखो, मतलब यहाँ बादल है एंड यहाँ यहाँ पे हैं, वहाँ पे नहीं दिख रहा समझे,
अभी मैं कहता रहा हूँ वहाँ दिखे नहीं रहे, लेकिन असली देख यहाँ पे कैसा आ रहा है, धूप टाइप में बिल्कुल, पानी जैसे पानी होता है ना वैसा लग रहा है भाई, पानी के ऊपर शाइन पड़ती है और मस्त सी हवा चल रही है, इतनी ठंडी सी। यहाँ अगर ना कम से कम 5 मिनट हम लोग रुक के जाते हैं। सो गाइस ये देखो विस्की, मतलब उसकी टांग में लग रखी है भाई साहब की, तब भी दौड़ रहा है भाई, मतलब अलग ही। और इन मैडम को देखो ठीक क्या कर रही है, क्या कर रही है भाई, टका टका टा क्या बोलती है तू, ताई बोल, ताई ओहो बोल, मम्मी पापा बोल, पापा पापी, मामा मामी, नानी नाना, चिंटू बोल चिंटू, हाँ रितिका दीदी बोल दीदी, हाँ बोल विस्की, हाँ विस्की, तो भाई विस्की का नाम नहीं है विस्की, हाजिर, मतलब कैसे हो रखा है पैर में इसके, मतलब भी बंदे को वो नहीं है चैन। सो गाइस अभी हम पार्क में आए थे एंड यहाँ पर अभी भगवान जी का पाठ चल रहा है, आज ट्यूसडे असली है, आज थोड़ा मौसम अच्छा है ना, हवा भी बहुत मस्त चल रही है, तो हम सभी आ गए थे। सो गाइस इधर अभी मैं घर पर आ चुका हूँ एंड पापा चले गए पार्क, क्योंकि पापा यहाँ पर थे ना और हम सब वहाँ पर थे, एंड अब मैं हूँ चेरी के पास, क्योंकि चेरी मेरा अकेला नहीं छोड़ सकता और हम उसको यहाँ पे इधर नहीं ले गए क्योंकि वहाँ डॉग्स अलाउड भी नहीं है, कभी कभार हम ले जाते हैं बट बस वहाँ पर तो यार नहीं जानते हो इंसान ज़्यादा कूड़ा मचाते हैं हम सारे डॉग्स, अब क्या करें हम तो भाई समझ लेते हैं, बट और भी लोग तो यार डॉग्स लाते हैं कभी कहते होंगे बट वो समझते नहीं है, वो तो जिद पे एक वहाँ पे पिटबुल आता है भाई, इतना सीधा पिटबुल है ना मैंने आज तक कभी नहीं देखा, मतलब वो अपना ही खेलने में लगा रहेगा, चेरी भी सामने से जा रही थी ना, एक पिंच भी उसको सूंघने तक नहीं आया, बच्चे भाग रहे थे तो ना पिटबुल खेलना वगैरह भाई दान तो पिटबुल तो कौन सी ब्रीड है, बट बिल्कुल वो ऐसा है कि कुछ नहीं करता, बस अपना खिलौना जो है उसकी बॉल है उससे खेलता रहेगा, और पिटबुल से कोई कौन कुछ कहेगा। और ऐसे ब्लॉग में अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को आप क्लिक कर देना, एंड वन मोर थिंग कि मेरे ख्याल से कल हम लोग कहीं मस्त घूमने जाएं आशी के साथ, क्योंकि यार आशी दीदी के पेपर ख़त्म हो चुके हैं बोर्ड के, वो भी कल हुए थे, हाँ लास्ट ख़त्म थे, आप समझ सकते हैं आशी का भी पास बहुत टाइम है, तो आशी और मैं घूमने जा सकते हैं आशी के फ्रेंड्स और मैं, क्योंकि अब मेरे फ्रेंड्स का ये रहता है कि अब वो होता है कि वो लोग नहीं जा पाते हैं, बस अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।